नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएमओपो न्यूज। एक समय आया था जब अन्ना हजारे का आंदोलन देश के अंदर काफी चर्चा में रहा और अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और आज वही आम आदमी पार्टी देश के अंदर सत्तारूढ़ है और नेशनल, छोटी सी पार्टी की शुरुआत नेशनल पार्टी तक पहुँच चुकी है। उसी पार्टी के अन्ना हजारे के आंदोलन की शुरुआत करते हुए अन्नु सूरा ने काम करना शुरू किया और फिर आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया और उसके बाद में आज इनेलो के साथ काम कर रही हैं और इनेलो के अंदर जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसमें भी पूरा रास्ता तय किया राजनीति का। आज हम उन्हीं से परिचर्चा करेंगे कि अन्नु सूरा जी हमारे साथ में जुड़े। अन्नु जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी खूब से नमस्कार। तो अन्नु सूरा जी, देश के अंदर एक इंडिया नाम से गठबंधन बन रहा है और जिसमें कांग्रेस और इनेलो भी साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कहेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि अच्छी शुरुआत है। अगर इस बारे में सोचा जा रहा है तो सभी पार्टियों को मैं तो साधुवाद दूंगी। ये ज़रूरी था, ये तो पिछली बार ही हो जाना चाहिए था। जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह का लोकतंत्र पे हमला बीजेपी लगातार कर रही है, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ये लड़ाई का गठबंधन आपने बीजेपी के सामने, बीजेपी के साथ मोर्चा पूरी पार्टियों ने खोला है, बहुत सारी पार्टियां हालांकि जुड़ी हैं देश की, और आज इंडिया गठबंधन ने जो जिस तरीके से मीडिया के ऊपर भी हमला बोला है, मैं कहना चाहूँगा कि 14 जो चैनल के पत्रकार हैं उनको लिस्टेड किया है और ये फैसला लिया है कि इनके जो डिबेट्स है या कोई कार्यक्रम है उनमें भागीदार नहीं होंगे, इस पे आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा किया। मैं तो इस चीज़ को अच्छा मानती हूँ कि अगर कोई मीडिया हाउस या कोई चैनल पत्रकारिता के धर्म को ही नहीं निभाएगा तो वो मीडिया है ही नहीं। तो मीडिया हो तो मीडिया से बात करें। आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो काफ़ी न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल ना होके एंटरटेनमेंट चैनल बने बैठे हैं। मीडिया जिसका काम होता है जागरूक करना, वो सारा दिन पाखंडवाद दिखाते हैं। आप देखोगे सास बहू और साजिश चल रही है, तो ये न्यूज़ चैनल का काम तो नहीं है, ये मीडिया का काम तो नहीं है। अगर कोई चैनल पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहा है तो बिल्कुल उसका बायकॉट होना चाहिए। बिल्कुल देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना और इंडिया का नाम चेंज करने के लिए बीजेपी सरकार कह रही है, चर्चाएं हैं कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा, जो कि देश के अंदर प्रचलन में इंडिया और भारत दोनों ही है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? गठबंधन बनना ही मानते हैं या और कारण मानते हैं? देखो, ये बीजेपी क्या कर रही है वो मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है और जनता के लिए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 9 साल में 9.5 साल में गैर जरूरी काम ही तो किए हैं। वो काम ही ऐसे करते हैं अटपटे, जिसकी चर्चा हो, चर्चा की वजह से जिंदा है। तो नाम चेंज कर रहे हैं, जो आपको ठीक लगे आप करो, लेकिन आप थोड़े ही दिन के हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप इतना डर गए हो इस गठबंधन से, कोई बात नहीं, डर जायज है, लेकिन आप देश का नाम बदलने पर उतारू हो गए हो, तो ये तो मतलब बीजेपी की हल्की सोच दर्शाता है। अभी तक जो सवाल थे उसमें उलझन नहीं थी, अब आप उलझने वाले हैं। बता देते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और जो कांग्रेस, तमाम पार्टियां जुड़ करके एक गठबंधन जो किया इंडिया के नाम से, लेकिन हरियाणा के अंदर एक दूसरा असमंजस पैदा हो रहा है कि जिस सरकार के, मौजूदा सरकार कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब की सरकार थी और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो देवी ओम प्रकाश चौटाला को जेल हुई, क्या अभी वही गठबंधन उस रूप में देखें और अब देखें तो क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हुड्डा साहब की सरकार थी जब ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, पार्टी हुड्डा साहब की नहीं है। हुड्डा साहब को सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनाया था गांधी परिवार ने। पार्टी जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार की है और बपोती नहीं है, हुड्डा परिवार की। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन में अगर इनेलो शामिल होगी तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करके शामिल होगी, ना कि हुड्डा परिवार के साथ।
तो हुड्डा परिवार अपनी चिंता करे कि उन्हें जो टिकटें चाहिए वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सोनिया मैडम उनको वो टिकटें देंगी या नहीं देंगी, ये मैं कहना चाहूँगी। तो हुड्डा साहब से तो जो नाराजगी थी वो है, बिल्कुल है, लेकिन कांग्रेस हुड्डा साहब नहीं है, सोनिया गांधी जी हैं या राहुल गांधी जी, गांधी परिवार की पार्टी है कांग्रेस, ये मैं कहना चाहूँगी। और गठबंधन अगर होगा तो वो कांग्रेस के साथ होगा, हुड्डा साहब के साथ नहीं। आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपकी पुरानी चली आ रही है, लेकिन बहुत सारे कांग्रेसी तो ये कहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है हुड्डा बनेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, और आप, आपकी पार्टी और आपका जो गठबंधन है वो ये कहता है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो किस रूप में देखेंगे? तो देखो, किसी भी पार्टी के या किसी नेता या कार्यकर्ता का एक फर्ज भी बनता है कि वो कहीं अपने अपने नेता को प्रमोट करें, लेकिन जो हकीकत है वो तो कुछ और ही है ना। अब वो जैसे ये लोग कहते हैं, जो हुड्डा गुट के लोग हैं वो कहते हैं कि हुड्डा साहब का काफ़ी असर है कांग्रेस में, हरियाणा में, तो असर तो भजनलाल जी का भी था, कोई जानता ही नहीं था उस टाइम हुड्डा को, लेकिन मुंह किसी का दिखाती है सेंट्रल पार्टियां और मुख्यमंत्री किसी को बनाते हैं। कहते हैं जख्म हरे जो है कई दिनों बाद भर जाते हैं, क्या राजनीतिक जख्म इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस भरने जा रही है? भरना चाहिए, मेरी ये राय है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे ही ये इंडिया गठबंधन की बातें शुरू हुई थी तो कुछ जो अंधभक्त आज भी हैं, वो देखो कुछ तो रहेंगे हमेशा, तो उनका और तो कोई मतलब रिएक्शन आए ना आए, तो उनका ये रिएक्शन था कि बीजेपी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए शेर को हराने के लिए। तो मैं याद दिला दूं कि एनडीए भी एक गठबंधन था जिसके अंदर बहुत सारी पार्टियां, महबूबा मुफ्ती तक को जोड़ा गया था, जिसको आप कहते हो कि ये तो अलगाववादी है, तो पहले अपना घर संभाले, आप कैसे सत्ता में पहुंचे पहले वो पढ़े, बाद में इंडिया गठबंधन अगर बनता है या कोई भी अन्य गठबंधन बनता है, चाहे उसको तीसरा मोर्चा कह लीजिए, उस पर कमेंट करने से पहले आप देखिए कि आपने क्या किया था, आपने किन किन को जोड़ा था। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक गली के अंदर दो पड़ोसी हैं जिनकी आपस में नहीं बनती या किसी चीज बारे में उनका आपस में संघर्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि गली में चोर आने पे वो इकट्ठे मिलके उस चोर को नहीं भगाएंगे। तो बीजेपी जो आज की तारीख में डकैती देश के अंदर कर रही है, जिस तरीके से देश को लूट रही है, उसको भगाने के लिए, उसको गली से निकालने के लिए अगर दो पड़ोसी इकट्ठे होते हैं अपने आपसी वाद विवाद को भूल के, तो मैं तो उसको अच्छी बात मानती हूँ। हम अपने आपसी विवाद हम बाद में सुलझा लेंगे, पहले चोरों को डकैतों को भगाना जरूरी। सवाल करेंगे अन्नू सूरा जी, आपने शुरुआत अन्ना हजारे से की और बाद में आम आदमी पार्टी से की, आम आदमी पार्टी को छोड़ने के क्या कारण थे, नेलो में आने के क्या कारण? देखिए काफ़ी कारण थे आम आदमी पार्टी को छोड़ने के। एक तो ये कि जिस विचारधारा से आप शुरू हुए वो विचारधारा ही नहीं रही, तो आप एक और पार्टी के अलावा आप और कुछ भी नहीं, आपके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। आपने शुरुआत करने के लिए वो सब किया था, बस यही बात है। जैसे आप कहते हो कि हम तो व्यक्तिवाद के भी खिलाफ थे, जब ये अन्ना आंदोलन हुआ कि व्यक्तिवाद भी बुरा है, तो एक ही व्यक्ति तीन तीन बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहा है? आपके संगठन में तो और लोग भी हैं, और ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपसे ज़्यादा जिन्होंने मेहनत की है, उनको आपने बारी बारी करके निकाल दिया, तो जो एथिक्स थे वो नहीं रहे। संगठन के तौर के स्तर पे भी काफ़ी इंटरनल चीज़ें थी, जो मीडिया में कहना उचित नहीं कि एक मर्यादा होनी चाहिए। तो इतने साल काम करके अगर छोड़ा है तो वाकई कुछ कारण थे। और इनेलो में आने का कारण ये कि इनेलो पार्टी की ने जो जन कल्याण की नीतियाँ बनाई अपने राज में, वो आज देश प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू हुई हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, गरीब कन्याओं को कन्यादान की राशि देना है, जच्चा बच्चा स्कीम है, SC ST कम्युनिटी की चौपालें बनाना, नंबरदारी, जो भी देवीलाल जी थे उन्होंने इतना काम किया जनता का, वो ढूंढते थे तकलीफें और उनको दूर करने का काम करते थे। तो इनेलो पार्टी हमेशा गांव की जो आबादी है उसको आपस में लड़वाने की बजाय उनको
एक करके उनको संगठित करके राज बनाने में विश्वास रखती रही है। अनुसूरा जी, आप जब आम आदमी पार्टी में थे तो आपका एक मुकाम था नलवाहा का, वहाँ पे आप काम करते थे, लगातार आप लोगों को संगठन में जोड़ने की कोशिश करते थे। और जहाँ तक बात करें अगर राजनीति में व्यक्ति इतनी सलीनता से काम करे तो जायज है कि वो टिकट की भी मांग करता है, तो इनेलो में भी टिकट की मांग आपकी है कैसे? देखिए, मेरे को तो टिकट की मांग करना ही मेरे समझ से बाहर की बात है। टिकट मांगने की चीज़ ही नहीं होती है, टिकट तो पार्टी उसी को देगी जो सबसे जीताऊ है। अगर आप टिकट चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा जीताऊ बनना होगा। तो ये मैच्योरिटी नहीं है, आप एक संगठन को बिगाड़ते हो अगर आप डिमांड रखते हो, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं और सबका अपना अपना संघर्ष है। टारगेट भी फिक्स होता है राजनीति में, तो टारगेट कहाँ लिया आपने? देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ कि अगर वो ही चीज़ होती तो वो तो बहुत पहले हो चुका होता जब मैं आम पार्टी में थी। वो टारगेट ही नहीं था कि मतलब ये कोई बस की टिकट नहीं है, ये मजाक नहीं है। राजनीति में आप वोट बिखेरने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे नेताओं से अगर टिकट की बात करें तो वो हाईकमान पे डाल देते हैं, आप भी यहाँ हाईकमान पे डाल रहे हैं। हाँ। कि हाईकमान चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर हाँ। नहीं चाहेगा तो मैं अपना एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हूँ। नहीं, मैं मेरी परिस्थिति भी देखूंगी कि मैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे उस स्थिति में हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं सिरे से मना कर दूंगी, जैसे मैंने पिछली बार किया था। मैंने पिछली बार मना किया था कि मेरे को नहीं लड़ना इलेक्शन, और मैं तो गठबंधन के समर्थन में हूँ, अगर आप नहीं करते तो आप जिसको मर्जी टिकट दे दीजिए। अभी अभय सिंह चौटाला अगर टिकट देना चाहे तो क्या? देखो, मैंने कहा ना कि परिस्थितियों पे बात है, अभी तो इलेक्शन भी दूर है और ये गठबंधन के जिक्र चल रहे हैं। हाँ, वो निर्भर करता है किस हलके से या किस लोकसभा क्षेत्र से, तो वो मुझे भी तो सोचना होगा। देखिए, देश की राजनीति के अंदर जाति और धर्म बहुत ज़्यादा प्रभावित डालता है, तो इसमें आप कितना बात क्या कहेंगे? हाँ, ये दुखद सत्य है, लेकिन ये सत्य है। तो और जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से चाहे धर्मवाद हो चाहे जातिवाद हो, ये बहुत बड़ा है। लेकिन लेकिन ये हर एक नेता को इन चीज़ों को चर्चा से बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए, और करते भी हैं। लेकिन जो भाजपा है वो इस जिम को इलेक्शन के दौरान दोबारा बाहर निकाल देती है, तो ये बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। जैसे अभी आपने एक सवाल कहा, तो जैसे हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमारा भी मीडिया पे नज़र रहता है, तो आज एक भाजपा के पास एक सुरक्षा कवच पता है क्या है? जनता विरोध करती है किसी भी सरकार की नीति की, चाहे वो किसान आंदोलन में उन तीन काले कानूनों का विरोध किया, या कोई भी अपनी मांग को लेके जब जनता सड़क पे उतरती है, तो भाजपा के पास बहुत एक अच्छा कवर है कि ये तो जाट लोग हैं जो सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, वो कोई दूसरे देश से आके सरकार का विरोध नहीं कर रहे, वो इस देश के नागरिक हैं, तो उनका भी अधिकार है। और दूसरा ये कि जैसे बहुत लोग जो भाजपा के खासकर, वो लोग कहते हैं कि इनको तो मतलब ये जो चीज है, मैं क्यों कहना क्यों, नहीं चाहती। क्यों टारगेट किया जाता है, मैं ये भी पूछना चाहूंगा अनुसूरा जी, कि ये जाट राजनीति, आपने कहा कि ये जाट लोग, आपने ऐसा कमेंट हाँ। भाजपा के किसी नेता से हाँ। सुना होगा, लेकिन भाजपा के अंदर भी बड़े बड़े नेता हैं जाट अभी फिलहाल। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, यहाँ तक कि जो अध्यक्ष है हरियाणा के ओम प्रकाश धनखड़, वो भी तो जाट है। बहुत सारे अभी वित्त मंत्री थे, वो भी जाट थे। बहुत सारे नेता भी हैं, टिकटार्थी भी हैं, और टिकट पे विधायक भी हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि आप एक धर्म को या एक कास्ट को, जैसे अलग अलग स्टेट वाइज इन्होंने एक सिलेक्शन किया हुआ है, उन्हें टारगेट करके दूसरों को पोलराइज कर लिया। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जो कि बहुत बहुत खतरनाक, समाज के लिए बहुत खतरनाक पॉलिसी है। और हालांकि मैं अब जनता समझ चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा, कांग्रेस, इनेलो ही नहीं, पूरी पार्टियाँ जितनी भी है राजनीति, वो सारे समीकरण जातिगत अनुमान जातिगत बिठाते हैं, और उसी आधार पर टिकट का बंटवारा भी करते हैं।
हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये होता है, देखो एक होता है कि विभिन्न जातियों का सोशल इंजीनियरिंग करना ताकि सबकी भागीदारी हो, वो अलग चीज़ होती है, वो बिल्कुल ठीक है, वो तो पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। जैसे इनेलो ने हमेशा किया कि हर एक जाति जिनकी संख्या बहुत कम है उन्हें भी पॉलिटिकल भागीदारी दी, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी धर्म को, किसी जाति को टारगेट करके बाकियों को पोलराइज करना, नफरत फैलाना, वो गलत है। हालांकि मुझ पे तो भाजपा की उस नीति का भी कोई खासा असर होने वाला है नहीं, क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री जिस जाति से संबंध रखता है, मैं उस जाति में शादीशुदा हूँ, तो मैं तो खट्टर से भी पुरानी हूँ, मेरे पे तो मतलब यहाँ भी जातिगत आधार मान रहे हैं कि एक तरफ मैं जाट जाति को संबंध रखती हूँ, दूसरी तरफ जो है अगर मीडिया, बिल्कुल अगर मीडिया हर बात पे आज ये बात करेगा तो हम क्या करें। अगर मीडिया ये पूछता है कि आप ब्राह्मणों के कितने वोट ले लोगे, आप उन जाटों के कितने वोट ले लोगे, आप मुस्लिमों के कितने वोट ले लोगे, अगर मीडिया के अंदर बात ही ये बची है तो मैं क्या करूं, मैं भी कहूंगी बिल्कुल कि मैं इनके मीडिया भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, वो भी आप नेताओं से ही बात जान करके उसी को सामने लेकर के आता है या समाज की जो धारणा है उसी को सामने। मीडिया क्या आपको, मीडिया थोड़ी चलाता है, राजनीति को मीडिया चलाता है। मैं कोई बात बताऊंगी, ये जाट गैर जाट शब्द किसने बनाया, ये आपकी राजनीति ने बनाया ना कि मीडिया ने बनाया, ये मीडिया का बनाया है। आप मीडिया ये बात बोलना बंद कर दे तो चीज खत्म हो जाएगी। आप क्या, आपने आप, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही, मीडिया का मतलब वो हजारों लोग, वो ये चर्चा बंद कर दे। जैसे ही यूपी में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ ये चर्चा शुरू हो जाएंगी कि इतने परसेंट इनके वोट हैं, इतने परसेंट इनके वोट हैं, तो शुरुआत तो वहीं से होती है ना। अगर आप ये जिक्र बंद करेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मीडिया, उसका मतलब आपका मतलब आप नहीं, मीडिया अगर इन चीज़ों का ही जिक्र करता है, ये ही पूछता है, तो भाई मेरे लिए तो दोनों चीज़ें सुटेबल हैं। तो दोस्तों ये परिचर्चा यहीं पे विराम करेंगे और भी बहुत सारे नेताओं से राजनीतिक परिचर्चा करते रहेंगे और विचार जो है किसके कितने हैं क्या हैं साझा करते रहेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएमओ न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।